बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाल। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त मैं इधर आया हूं, ये जो सब्ज़ी मैंने एक दिन पहले काश्त की थी ना, तो ये देखने आया हूं कि क्या वो जो है उगी है या नहीं उगी, वो मैं देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं पहले। हाँ जी, तो जो दो दिन पहले मैंने ये सब्ज़ी बीजी थी ना इधर इन नालियों पर, तो मैं ये देखने आया हूँ कि क्या ये जो बीज मैंने बोया था क्या वो उगा है कि नहीं उगा। तो लेकिन ना वो उग रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना अंगूर निकल रहा है, यानी कि जो बीज बोया था ना ये भी बीज है और ये भी बीज है और ये भी बीज है, और ये जो बीज है ना इसमें से ना अंगूर निकल रही है बाहर की तरफ। तो ये मज़ीद दो तीन दिनों के बाद ना मुकम्मल तौर पर ना ये जो सब्ज़ी के पौधे हैं ना बाहर निकल आएंगे। ये मैंने ना ये जो है नालियाँ बनी हुई हैं इनके ऊपर ना मूलियाँ काश्त की थी और इधर पालक काश्त की थी। ये जो छोटी सी क्यारी बनी हुई है और उधर जो एक क्यारी है उसमें मेथी काश्त की थी। उधर जो खेत आगे आपको नज़र आ रहा है ना वो वाला, उसमें हमने ना साग काश्त किया था। मैं वो साग भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी उग चुका है। हाँ जी, जो हमने ये साग काश्त किया ना, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये उग चुका है और इसके जो पौधे हैं वो बाहर निकल चुके हैं मुकम्मल तौर पर। आप ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बड़े हो जाएंगे। तो ये था हमारा साग और उधर हमने सब्ज़ी काश्त की है नारियों में। तो मुबशर भी स्कूल से आ गए। हाँ जी, स्कूल से आ गए हो? आ गया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो घड़ी थी आपकी, आपको मिली है या नहीं मिली? मिल गई। कहाँ है घड़ी, दिखाओ, उतार के दिखाओ मुझे। हाँ जी, तो असल बात ये कि घड़ी की बात मैं कर रहा था मुबशर के साथ, क्योंकि ये जो घड़ी है ना मुबशर को ना फूफी ने लेके दी थी गिफ्ट के तौर पे। तो इसको तकरीबन हो गया कि एक मंथ हो गया मुबशर के पास थी। तो छः दिन पहले ना इसके एक क्लास फेलो ने ना इसे घड़ी दी कि मुझे ना टाइम देखना तो मुझे घड़ी दिखाओ। दिखाने के बहाने उस लड़के ने ले ली, क्योंकि मुबशर जो है ना वो एज का भी छोटा था और वैसे भी आपको पता है कि जिसामत और कद के लिहाज से भी छोटा था, क्योंकि वो लड़का जो था ना वैसे एज में भी ज़्यादा था और जिसामत में भी ज़्यादा था। तो वो लड़का जो बड़ा था ना, तो उसने ना टाइम देखने के बहाने ना मुबशर से घड़ी मांगी। तो मुबशर ने ना ये घड़ी उसको दी, तो फिर उसने ना घड़ी इसको वापस नहीं की। फिर इसने मांगी तो दो तीन दफ़ा उसने मांगी, तो फिर उसने ना घड़ी वापस नहीं की। बात घड़ी की नहीं है, बात असल में यही होती है कि अक्सर लड़के जो बड़े होते हैं ना वो छोटों पर ना हाईवी हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बातें करनी, क्योंकि जो लड़के बड़े होते हैं ना वो छोटों पर ना थोड़ा प्रेशर डालते हैं। तो फिर मैंने ना इनके टीचर के साथ बात की, तो मैंने कहा कि बात घड़ी की नहीं है, इस तरह कि अगर आज उसने घड़ी ले ली है तो फिर कल वो इससे तो साइकिल भी ले लेगा, क्यों कि ये छोटा है वो बड़ा है। तो फिर आज छः दिनों के बाद ना टीचर साहब ने ना उस लड़के से ना घड़ी लेकर इसको दी है। तो चलो ठीक है, घड़ी तो आपको मिल गई है, लेकिन बात असल में ये होती है कि जो लड़के बड़े होते हैं ना उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि छोटे लड़कों के साथ ना शफकत के साथ और प्यार के साथ पेश है। ये ना सोचे कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है तो मैं इससे जो चीज़ ले लूँगा तो मैं फिर उस पर कब्जा कर जाऊँगा, ये अच्छी बात नहीं। ये इशू ना फिर लड़ाई होती थी लड़ाई के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं, लड़ाई को छोड़ अब्बू को बताऊँगा। वो लास्ट पीरियड था तो उसने टाइम देखने के लिए छुट्टी हुई तो वो चला गया, छुट्टी हुई तो वो भाग गया, फिर टाइम मैं अब सर को क्या बता, अब तो वो घर चला गया। उसके बाद ना उसने आज घड़ी वापस की। वो आज ना आपके जिम्मे ना कुछ काम जिम्मे लगाना है जी। वो काम इस तरह का है कि मुझे ना एक तो दुकान पे भी बैठना होता है, साथ ही मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, कभी सीमेंट मंगवाना होता है, कभी कुछ मंगवाना होता है, कभी कुछ मंगवाना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं घर की लेनी है, तो कुछ ना देखो ना कि पहली दफ़ा जब आप स्कूल उधर गए शहर में तो हम ये सोचते थे कि मुबशर अकेला जाएगा, वो कैसे जाएगा। बात को समझना, जब तुम स्कूल गए थे ना रक्शे पे, तो छुट्टी के टाइम ना मैं इधर से ना स्कूल के सामने गया, गेट पर गया और मैंने देखा कि मुबशर कैसे स्कूल से निकलता है और कैसे रोड पे आता है और कैसे रक्शे में बैठता है। तो जब मैंने आपको देखा कि आप गेट पर आ गए थे तो रक्शे वाला आया तो तुम बैठ गए और फिर सीधे घर आ गए, तो फिर मुझको तसल्ली हुई कि मुबशर जो है ना अब वो आ जा सकता है। अच्छा, तो फिर जब मैंने आपको साइकिल लेकर दी तो फिर हम ये सोचते थे कि सड़क पर जाएगा तो ट्रैफिक होगी और आमदोराफ्त होती है इस तरह, तो पता नहीं पहली बार उसने साइकिल चलानी है तो वो किस तरह जाएगा। फिर मैंने इस तरह किया कि पहले दिन जब मुबशर साइकिल पर गया ना, तो मैंने इस तरह किया कि जो मेरे पास लड़का काम करता है ना, तो मैंने उस लड़के को मोटरसाइकिल दी और मैंने कहा कि मुबशर जाएगा आगे और तुम पीछे पीछे जाओ और देखो, एक तो जो साइकिल है ना वो गरारियों वाला है तो उसकी चैन भी उलट हो सकती है,
आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि इस तरह ना मुबशर नया है तो इसको पता नहीं है कि गराइयों पे जो चेन है वो किस तरह चेंज करनी होती है, तो कहीं इसका मसला ना बन जाए। तो मैंने उस लड़के को पीछे भेजा तो वो लड़का मुझे बता रहा था कि मुबशर जो है सही साइकिल चला कर जा रहा था और आपकी साइड पर जा रहा था। अच्छा, जब एक दो दिन गुजरे तो हमको तसल्ली हो गई कि मुबशर जो है आप साइकिल पर आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो इसी तरह मेरी बात करने का मकसद है कि आपने कभी कोई चीज़ घर के लिए ली नहीं है, घर के खाने की चीज़ कोई ज़रूरत की चीज़ होती है तो मैं दुकान पे होता हूँ, तो इस तरह अगर आप ना लें तो फिर मुझे ना दुकान बंद करनी पड़ती है। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपको कुछ घर की जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि घर की कोई चीज़ लेनी होती है, कोई कमी बेशी होती है ना, तो आपके पास ऑलरेडी साइकिल तो मौजूद है, तो तुम इस तरह क्या करो ना कि कोई चीज़ घर की लेनी हो तो अम्मा को लेकर देनी हो, बाजी है आपकी कार में, कोई भी चीज़ लेनी होती है तो साइकिल उठाए और चीज़ लेकर दे दी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि तुम कहते हो कि मैंने कभी कोई चीज़ ली नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह जिस तरह तुम पहली दफ़ा साइकिल पे स्कूल गए थे तो और फिर वापस आए तो हमको तसल्ली हो गई कि मुबशर अब ये काम कर सकता है, यानी कि अब साइकिल पे स्कूल जा सकता है, अब हम बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं, हमें तसल्ली हो गई है। तो इसी तरह अगर आप एक दफ़ा जाएंगे ना बाजार कुछ शॉपिंग करेंगे ना तो ले आएंगे, कमी बेशी होगी तो दूसरी दफ़ा जब जाएंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। तो बात यह कि कुछ चीज़ें लेनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो है ना आप पहली दफ़ा जा रहे हैं शहर में तो आप जाएं वो दो तीन चीज़ें लेके आएं, आज जब जाएंगे ना लेके आएंगे ना तो फिर दोबारा जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। ये कोई भी काम नया करना हो ना तो उसको करना चाहिए, करने से जो है ना बच्चा सीखता है। तो आज से बहरहाल मैं आपको यही कहता हूँ कि जो घर के छोटे मोटे कामों की जिम्मेवारी है ना वो मैं आपको सौंपता हूँ और आज के बाद आपने वो करनी है, क्योंकि आज करोगे तो कल कर सकोगे, अगर आज नहीं करोगे ना तो फिर आपको पता भी नहीं होगा कि ये जिम्मेवारी जो है ना वो किस तरह उठाई जाती है। जी, तो चलो चलते हैं, जो चीज़ें लेनी है वो मैं आपको लिख के देता हूँ, पैसे भी देता हूँ। हाँ जी, तो अम्मा जी भी आ गए हैं और मुबशर भी खड़ा है और मैं भी इधर आ गया हूँ, तो मुबशर को जो चीज़ें लेनी है ना वो मुबशर को मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, बात असल में यह है कि मैं ना आज जो काम कर रहा हूँ वो इस तरह के घर का कोई छोटा मोटा सौदा सूत लेना हो ना तो मुबशर को कहा करो, क्योंकि ना मैं कभी दुकान पे होता हूँ, घर में नहीं हूँ, तो कोई चीज़ खरीदनी हो तो फिर आप देखते हो मुनावर की डर गया, अच्छी डर गया, अच्छी डर गया, क्योंकि मुबशर घर होगा ना तो इसे कहा करो कि पांच चीज़ लेने दीजिए, शायद जाकर मैं आपको चीज़ लेके देगा, क्योंकि इसके पास साइकिल मौजूद है। चलो मोटरसाइकिल का तो खतरा होता है ना, क्योंकि वो चला भी नहीं सकता और उसका खतरा होता है, तो साइकिल तो इसके पास मौजूद है, क्योंकि ये जो काम है ना ये आज से करेगा ना तो बड़े होकर भी करेगा। तो आज के बाद ना आपने ये करना है कि जैसे घर का सारा छोटा मोटा सौदा साल लेना है ना तो इसको मैं जिम्मेवारी देता हूँ और आज के बाद ये लेके आएगा। तो आज कुछ चीज़ें हैं जो सार के लिए भी हैं और इसकी भी चीज़ें हैं मतलब का, तो ये खुद जाके ले आए और मुझे भी पता चले कि ये किस तरह जाके ले आता है और पता इसको तजर्बा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरह खरीदी जाती हैं। ठीक है, और ये लो पैसे जी, ये लो 1000 रुपया। वो आज के बाद ये जिम्मेवारी आपकी जिम्मे लगा दी है जी। तो मैं चलता हूँ दुकान पे, इस पर्ची के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लेके आनी है आपने जी। तो तुम इस तरह करो, जाओ शहर साइकिल को उठाओ और शहर जाके ये चीज़ें ले आओ। हाँ जी, तो मुबशर ने साइकिल को निकाल लिया है। हाँ जी, जा रहे हो फिर शहर? हाँ जी, एक तो ख्याल से जाना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, पहली दफ़ा जा रहे हो। ये जो कमला है ना ये लूज है थोड़ा। अच्छा, तो इसका ना ये वाला जो है ना ये रस्ते में उतर जाता है, मैं इसको ना वहाँ पे लगा के आता हूँ। तो अभी ना मैं फिर आ जाता हूँ शहर से, तो फिर इसके ना ये जो काबले ये भी सही करेंगे। चलो ठीक है, मैं आपको टैट कर दूंगा। हाँ जी, तो अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, मैं साइकिल पे हूँ, तो अभी मैं जाता हूँ और सामान लेके आ जाता हूँ। और आपको इधर था धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, तो मैंने ना मोबाइल का ना फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, तो इसमें से आपको ना सूरज दिखाने से कहा, तो अभी मैं जाता हूँ और सामान लेके आ जाता हूँ और फिर मिलते हैं। तो मैं भी ना इधर शहर दुकान में आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ सामान खरीद लेता हूँ और जो सामान मैं खरीदूंगा आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा और आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ जी, तो अभी ना मैं साइकिल पर गया था शहर सामान लेने के लिए, तो सामान लेके मैं आ चुका हूँ, तो सामने मेरा घर खड़ा है, तो बेबू के पास जाते हैं देखे। हाँ जी, तो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, बस स्लो स्लो गया हूँ, साइकिल पे था। हाँ जी, तो अभी ना मैंने साइकिल इधर खड़ी कर दी है। अबू जी, हाँ जी, सामान लेके आ गया हूँ ये इधर। हाँ जी, तो ना मैंने अपनी बुक लेनी थी, मुझे वो याद आई है, तो वो भी मैं लेके आ गया हूँ साथ। अच्छा चलो, अच्छी बात है जी। पानी वगैरह पी लेता हूँ। हाँ, पानी पी लो, प्यास लगी होगी। हाँ,
हाँ जी हाँ चलो ठीक है तुम जाओ मैं अभी आ रहा हूँ जी। हाँ जी तो अभी ना मैं शहर से सामान लेके आ चुका हूँ, बब्बू में बैठे मुझे देखने सामान लेके आ चुका हूँ। अच्छा तो जिस जिस तरह मैंने चीजें आपको लेके दी थी वैसे खरीद के ले आए हो? हाँ जी। ये साधन का लेके आए ना? हाँ जी। चलो ठीक है, जो मुबशर पहली दफा बाजार गया है, वैसे दुकानदार जो है ना वो हमारा जान पहचान वाला है, अगर कोई चीज की कमी बेशी हो ना तो वो बाद में भी हम रद्द बदल कर सकते हैं, तो लेकिन वैसे साधन नंबर इसको छपा चाहिए थी तो चलो ठीक है। तो एक वो बशर ने आपने लिए ये भी रुमाल लेना था स्कूल के लिए? अच्छा तो यही लिया ना? हाँ जी। हाँ जी, ये मुबशर ने ये भी रुमाल लिया है, एक ऐसे ने ना ये वैसलीन लेनी थी ये, और साथ ही जो एक करीम केयर नाम की करीम लिया है इसने, और ये छोटी सी शॉपिंग है, पहली दफा गया है तो इसके लिए नहीं काफी है, और शूज को पॉलिश करने के लिए ये इसने स्कूल के लिए सामान लेके आया। हाँ जी हाँ जी। काफी दिनों से ये कह रहे थे कि इनके पास करीम नहीं थी, तो करीम भी जमी है, वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है ना तो वैसलीन की जरूरत होती है, क्योंकि वो हो जाती है, तो ये किताब है इसकी तो वो ये लेके आया है। अंदर से तो देख लो मैंने देखी नहीं है, मतलब वो होते ना खाली पेज होते व्हाइट व्हाइट। नहीं ठीक है, तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का हम यही पे एड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।